हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल नोमैड उत्तराखंडी में। तो आज है संडे का दिन और आज हम पहुँच चुके हैं क्राफ्ट म्यूजियम, जो कि प्रगति मैदान में प्लेस है। प्रगति मैदान के जस्ट रोड पे ही बना हुआ है ये सामने। तो ये क्राफ्ट म्यूजियम की खासियत मैं बता दूँ, जितने भी अपने गाँव के कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं और गाँव का जो पूरा कल्चर होता है हिंदुस्तान का पूरा कल्चर आपको अंदर देखने को मिलेगा। आज आपको देखने को मिलेगी गांव में सारी चीज़ें, कैसा उनका जीवन व्यतीत करते हैं वो अपने डेली यूज़ का, और जितनी भी गांव की पूरा अपनी झांकियां होती हैं और सारे कल्चर जो भी गांव, वो सारा आज आपको अंदर एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो आज आपको अंदर एक्सप्लोर कराते हैं क्राफ्ट म्यूजियम में। तो ब्लॉग में बने रहिए और आपको मिलते हैं हम अंदर जाके। तो गाइस जस्ट यहाँ से एंट्री ली है और एंट्री ये सामने देखिए, राजस्थानी कल्चर में सॉन्ग चल रहे हैं और इसके जस्ट साथ में ही है एक कैफ़े बना हुआ है, काफ़ी फेमस कैफ़े है ये। थीम हो गया यहाँ पर ना, ये सामने देख रहे हो कैफ़े लोटा थीम के नाम से है। चलिए एक बार आपको अंदर से दिखाते हैं कैफ़े लोटा का, अंदर से कैसा है बना हुआ है ये। बहुत ही अमेजिंग कैफ़े है ये। सो गाइस एंट्री करने पे बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे एक रिपोर्टर है रवीश, वो भी आए हुए हैं। तो सामने आप देखिए, आप गैलरी में फर्स्ट में हमको एंट्री करते ये दिखाई देगा। ये हमारे शायद ये जो कल्चर है हमारा, कुछ उसको पूरा रिलेट कर रहा है, जो हमारे पुराने कल्चर थे जो भी बने हुए थे हैं। गाइज अभी हमारे को एक छोटा जो कल्चर प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, एक छोटी बच्ची है वो हमारे साथ है। कहाँ से रहते हैं आप? कहाँ पे आपका गांव? राजस्थानी चूरू में। क्या करते हो यहाँ पे आप? डांस करते हो? अच्छा लगता है डांस करना। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते रहना हमेशा, ठीक है, गुड। सामने देख रहे हो गाइस, अब टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लिए हो। आपको मैं बता दूँ कि टिकट प्राइस ज़्यादा नहीं है, ओनली 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ में आप यहाँ पे घूम सकते हो, सारे गांव का एंजॉय ले सकते हो आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। सामने देख रहे हो ये रथ काफ़ी बड़ा है, इसको बोला जाता है कि ये रामा रथ हुआ है, जो कि जगन्नाथ यात्रा होती है उज्जैन में या कहीं पे होती है, तो उसी लिए यूज़ हुआ था ये।
सो गाइज अभी आपने मैंने दिखाया आपको भी क्राफ्ट म्यूजियम अंदर से जो भी था, जो वहाँ की एग्जीबिशंस लगी हुई थी वो अब आपको हम दिखाते हैं, जो गांव का पूरा कल्चर है वहाँ पे कैसे बना हुआ है, सारी सारी पुराने गांव की यादें जिसको गांव की यादें ताज़े करने, तो आइए ब्लॉग में बने रहिए आगे। पुराने ज़माने की शायद ये कुछ घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी शायद, जिस तरीके से लग रहा है कुछ देखने में। और ये सामने है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कल्चर दिखा रखा है छोटा मोटा। हिंदुस्तान के जितने भी गांव हैं वो सबका कल्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ये देख रहे हो गुजरात, तो गुजरात का कल्चर कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है, जिस तरीके से गुजरात के गांव होते हैं ये उस तरीके से दिखाया हुआ है। सो गाइज अभी हिंदुस्तान के कल्चर जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में पीछे दिखाया है मैंने और आगे भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें और रह गई हैं, तो देख रहे हो सारी की सारे जो गांव बने हैं हिंदुस्तान के उसका छोटा छोटा एक एक पार्ट लेके बनाया हुआ हर किसी गाँव का हिंदुस्तान के, तो काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे। ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है ये जगह, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ पे आके ब्लॉग बनाया जाता है और आप लोगों को भी दिखाया जाता है कि यहाँ पे आके अगर आप आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सेमली चीज़ ये है कि बच्चे भी इंजॉय करेंगे यहाँ पे आके और बड़े भी इंजॉय करेंगे काफ़ी, तो आप लोग यहाँ बिल्कुल विजिट करिए, इंजॉय करिए और गाँव के कल्चर देखिए हिंदुस्तान का, और ब्लॉग में बने रहिए। अगर इस ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आगे बनाता रहूं मैं। थैंक यू सो मच, ब्लॉग पे बने रहिए गाइस। अच्छा रिव्यू है यहाँ का ना? हाँ, यहाँ का रिव्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पीसफुल एरिया है, बहुत ही शांत माहौल है और यहाँ का क्राउड बहुत बढ़िया है, मतलब आपको अच्छा क्राउड मिलेगा ना देखने को। मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आए यहाँ पे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं यहाँ के, सबको अपने कल्चर से प्यार है, कल्चर की चीज़ें आपको ख़रीदनी है तो वो ख़रीद सकते हो, और यहाँ से अब एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाती है। मैंने अभी तक गाँव दिखाया हमने आपको, आगे सामने देख रहे हो आपको एक छोटा मोटा कल्चर प्रोग्राम भी चल रहा है।
सो गाइस अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लोर करवा दी हैं, काफ़ी चीज़ें, तो ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये काफ़ी अनएक्सप्लोर जगह है जो मैंने आपको दिखाई है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग यहाँ पे आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये जगह पड़ती है प्रगति मैदान में, आप मेट्रो से आ रहे हो तो नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगा प्रगति मैदान, और आप गाड़ी से आ रहे हो तो अपनी गाड़ी की जस्ट ये चिड़ियाघर की जो सामने रोड है उसी के सामने ही पड़ेगा जस्ट। और आपको यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, अगर आपको पार्किंग या तो साइंस म्यूजियम में करनी पड़ेगी पार्क, या कहीं रोड पे लगानी पड़ेगी। रोड पे मत लगाना, रोड पे काफ़ी रिस्क है लगाना, तो हम साइंस म्यूजियम में खड़ी करके आए हैं, तो आप लोग पार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना। और ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए दिन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।